मंच पर आए अपने कर्कमणों द्वारा पूजन करने के लिए। प्रथम में बिहारी जी का पूजन और पूजन के बावजूद ठाकुर जी का नृत्यास प्रारंभ नहीं होगा। तो महाराज श्री मंच पर पधारे बिहारी जी का पूजन करने के लिए। आरती का समय हो गया है तो श्री महाराज श्री के भक्तगणों व महाराज श्री के कर कमलों द्वारा ठाकुर जी का पूजन व आरती आरती प्रारंभ है। जय श्री रघुवेश कुंज बिहारी लाल की सखी दौर आरती ले। चंद्रमा मन सो जात चक्षु हो सूर्यो पजायत सुधा दायस प्राणस मुख दगनी जायत। दास के नाम है आपके
प्यारे साथ आप हो, सब जीवन प्यारे साथ आप हो। लड्डू सखी के संग संग हमारी मंडली को मालिक भी है ना, मालिक है सखी है सकाल में। मेरे उठे ओ मेरे उठे बिले की Thank you.
Oh,
बचा कर यहाँ नंद जो का लाला है, बचा कर यहाँ नंद जो का लाला है। सामने दर्शन कर लो तुम झोली अपनी भर लो, सामने दर्शन कर लो तुम झोली अपनी भर लो। भलो जहाँ पासो वही जमना पट रानी, जो जन धाई के ध्यान धरे वह कुंतम लेतन कुरज धानी। वेद पुराण बखान करे सब संतो नितिन के मन मानी, यमुना यम दूतन तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी। हे श्री पिया पीतम जो आपके नितराश मंडल को समय है गयो है, सो कृपा करके नित रास मंडल में पधारो और रास को रचाओ। अच्छो सखी हे राधे लीला हरि, इन सखियन की सरताज चलो पधारो रास में, सो करिए रास विलास। प्रीतम नंद किशोर सब सखियन की चितचो चलो पधारो रास में, श्री नटवर नंद किशोर पधारो प्यारो। किशोरी जी से आज्ञा दी, समस्त सखी परिकर के साथ ठाकुर जी रास में पधार रहे हैं। प्रीतम रास विलास को मोह बड़ो भाई। हाँ यमुना तीर कदम चल प्यारी, यमुना तीर कदम चल प्यारी, यमुना तीर कदम
वृंदावन माई रास सब मिले के रचामे सखिया बजा में सब सागरी लेकिन कुछ बुजुर्ग कह गए हैं कि गंगा किनारे वाले गंगा का महत्व नहीं जानते, वो रोज गंगा जी के किनारे रहते लेकिन नहाना नहीं बनता, यही दुर्भाग्य होता है। ताली बजा के ना चाहिए जरा ठाकुर जी से कहिए प्रभु सुन सुधा के नंद लाला सुन सुधा के नंद लाला ओ तेरे नाम की किशोरी खेल में पधारो संग दास
रूप श्री राधा जू के बलवानी टेढ़े रहे मोहन हसिया ते बोलत अटपटी बानी। संत कहते भैया हमें गुमान अभिमान अगर है ना तो राधा रानी के ऊपर है। बोले कन्हैया जी, बोले कन्हैया को छोड़ो, बोले अटपटी बानी। कन्हैया से तो उल्टा सीधा ही बोलते रहते हैं ब्रजवास, उनको पता है ना राधा रानी को मनाया तो ये तो पीछे पीछे खुद चले आएंगे, अपने आप से अपने आप को नहीं रोक सकते। पड़े रहे अलमस्त भजन में सर पे राधा रानी, कलकुत किशोरी की प्राण जीवन जाना।
फिकर में मरते हैं, इसी फिकर में मरते हैं, तेरे फिकर में मरते हैं। गम शाम तेरे में विवाते, जय जय की जय जय, एक तू जाने कैसी चमचाई या कढ़ाई के मुकट पे, कैसी चमचाई या कढ़ाई के मुकट पे, कैसी चमचाई या कढ़ाई के मुकट पे, शीश मुकट मुख मुरली शोहे कपल नयन कुंडल झलके, और मुकुट पीतांबरी शोहे मंदर मंदर मुरली धुन का दर्शन किया। बोलो तो राधे राधे, बोलो तो राधे राधे, बोलो तो राधे राधे, बोलो तो राधे राधे, हो आओ तो राधे राधे, जाओ तो राधे राधे, बोलो तो राधे राधे, राधे जय जय राधे राधे, बोलो राधे राधे, जय श्री राधे राधे, बोल तेरा क्या लगेगा, बोल राधे राधे, वाले भागवत वाले भजन गाने वाले कहते ताली बजा के बोलो, ताली बजा के बोलो, पब्लिक सोचती होगी या तो हमारा दिमाग खराब है इसका, लेकिन एक बात कहते रहते हैं, लेकिन सबके पीछे कारण होता है। देखिए ताली बजाने के वैसे तो बहुत कारण है, लेकिन आज के युग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कीर्तन क्यों जरूरी है। जैसे यहाँ पर ब्रजवासी पधारे हैं, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में बड़ी सेवा हो रही है साहब, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और सौभाग्य से महाराज जी हमारे यहाँ पहुंच जाए कभी कुटिया में, और हम महाराज जी को कहें जब भोजन करने का समय आए कि महाराज जी दो रोटी पर सब्जी रख दी है, आप अपने हाथ पर रख के खा लो, तो क्या ये उचित है? उसके लिए भी बर्तन की आवश्यकता है। तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, कीर्तन में ताली क्यों जरूरी है, क्यों बजाना चाहिए कीर्तन में ताली। भोजन बिना थाली के लगे सोना सोना, भोजन बिना थाली के लगे सोना सोना, भोजन बिना थाली के लगे सोना सोना, मकान बिना जाली के लगे सोना सोना है, मकान बिना जाली के लगे सोना सोना, भोजन बिना थाली के मकान बिना जाली के, और अरे झगड़ा बिना काली के लगे सोना सोना, कहीं लड़ाई हो जाए गालियों का प्रयोग ना हो तो झगड़ा जैसा थोड़ी लगता है। पेड़ बिना डाली के लगे सोना सोना, पेड़ बिना डाली के लगे सोना सोना, डाली के लगे सोना सोना, अरे बात बिना माली के लगे सोना सोना, बात बिना माली के लगे सोना सोना, बात बिना माली के लगे सोना सोना, भैया पेड़ बिना डाली के बात बिना माली के। एक तो बड़ी अद्भुत बात है आज के लिए, क्या ससुराल बिना साली के लगे सोना सोना है, ससुराल बिना साली के लगे सोना सोना, ससुराल बिना साली के लगे सोना सोना। भैया जब ये सब चीजें जरूरी है ना, तो एक चीज इनमें सबसे ज्यादा जरूरी है, भोजन बिना आली के, पेड़ बिना डाली के, मकान बिना जाली के लगे सोना सोना है। दोनों हाथ उठा लीजिए सब लोग, क्यों कीर्तन बिना ताली के लगे सोना सोना है, ये कीर्तन बिना ताली के लगे सोना सोना है, ओ बोलो राधे राधे, ओ बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोल तेरा क्या लगेगा, बोल बोल राधे राधे, राधे राधे, बोल तेरा क्या लगेगा, बोल राधे राधे।
बात नहीं करना। आइए ठाकुर जी के श्री मुख से हम एक प्रवचन श्रवण करें, उसके बाद आगे लीला का दर्शन करेंगे। मैंने सत्तन हाथ बिकाऊ, मैंने सत्तन हाथ बिकाऊ, आठों याम ही में रखूं, एक पलक नहीं बिसाऊ, कल्ला पड़त वैकुंठ बसत मोए, शोकी ही ना समाऊ, रत हाकूं पग धोऊं, बासन मांजू छान छवाऊं, मांगो नहीं दान बच्चु चिनसों, मैं नाकच तिने सताऊं, निसर्व से भक्त को सौंपूं, ध्यान से सुने, मैं अपनों सत्य भुलाऊं, प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल जो देवे सोही में पाऊं, भक्त कहीं सो करूं निरंतर, मोहे बेके तो बिखे जाओ। भाव से कोई ठाकुर जी को बेचना चाहे तो बिक भी जाते हैं। एक बार भगवान की पत्नी को अभिमान हो गया था, सत्यभामा को धन वाली थी, तो बेचना चाहा, लेकिन भगवान वहाँ नहीं बिकते, भगवान एक तुलसी के दल पर बिकते, तुलसी के दल पर। तभी तो ठाकुर जी गाते हैं कि अब मेरे भक्तों की जो भक्ति है ना, सदैव मेरे हृदय में विराजमान है, और उनका आदर करते हैं ठाकुर जी। मेरे ये गई है समाए, हो समाए भगतन की भाव बड़ी भक्ति, मेरे लिए में गई है समाए, ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति, ओ मेरे लिए में गई है समाए, ओ समाए भगतन की भाव बड़ी आए, भगतन की भाव बड़ी आए, जिनको प्रेम ना सदा सुहाए, खूब सुहाए भगतन की भाव बड़ी भक्ति, मेरे दिल में चलाया रे शाम तेरी उंगली में, 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 चक्र चलाया रे शाम तेरी उंगली में, चक्र चलाया रे शाम तेरी उंगली में, Thank you.
भगत सुता दुष्टों ने घेरी, भगत सुता दुष्टों ने घेरी, आए शाम करी ना देरी, आए शाम करी ना देरी, तुरत लगाई चीर की घेरी, तुरत लगाई चीर की घेरी। भगवान पर जिसने भरोसा किया ना, भगवान उसकी रक्षा के लिए आते हैं। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी ने क्या किया, एक हाथ से साड़ी को पकड़ रखा है और एक हाथ से कह रही है भगवान द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो। लेकिन उससे पहले पतियों की तरफ देखा, बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, पिता में भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य इतने इतने बड़े योद्धा बैठे थे, कोई रोक नहीं पाया, बोल नहीं पाया उनके सामने। लेकिन भगवान ने सोचा कि अभी इसको एक हाथ पर भरोसा है, एक हाथ से साड़ी को पकड़ रखा है कि मैं साड़ी नहीं खींचने दूंगी। जब इसने देखा कि आज मेरी लाज नहीं बचेगी, दोनों हाथों को उठा दिया और कह दिया द्वारकानाथ ये लाज मेरी नहीं तेरी है। चीर इतना बढ़ गया कि साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, ये साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है। 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला दुशासन भूमि पर गिर गया, लेकिन चीर कम नहीं हुआ। कब? जब हमारा समर्पण सच्चा होता है तब। ऐसा चीर बढ़ाया रे शाम तेरी उंगली में, ऐसा चीर बढ़ाया रे शाम तेरी उंगली में, तेरी उंगली में, तेरी उंगली में, तेरी उंगली में, कर देंगे। अभी दो पैर दो हाथ हैं, उस समय चार पैर मिलेंगे बस, अगर रह गए तो, है ना।
मैं न करूंगी बिहारी तो से बतिया, अब न करूंगी
दिए फिर भी तू नहीं आया। वो प्रीत लगाई दिल शर्माया, बेदर्दी फिर भी तू नहीं आया। झूठे तेरे वादे, वो झूठे तेरे वादे, वो झूठी सारी बतिया। मैं न करूंगी बिहारी तो से बतिया, मैं न करूंगी बिहारी तो से बतिया, मैं न करूंगी बिहारी तो से बतिया, अब न करूंगी बिहारी तो से बतिया। प्यार जताते तन मन लूटा लूटा लूटा, प्यार जताते तन मन लूटा, काना तूने सब कुछ लूटा, काना तूने सब कुछ लूटा, ओ काना तूने सब कुछ लूटा। प्यार जताते तन मन लूटा, काना तू सब कुछ लूटा, खाना तूने सब कुछ लूटा। झूठे तेरे वादे, वो झूठी सारी बतिया, झूठे तेरे वादे, वो झूठी सारी बतिया। मैं न करूंगी बिहारी तो ते बतिया, मैं न करूंगी बिहारी तो ते बतिया, अब न करूंगी बिहारी तो ते बतिया, मैं न करूंगी बिहारी तो ते बतिया। बोली वाकी बिहारी लाल की। चलो छोड़ो, बोलो बंसीवट बिहारी भगवान की। बंसीवट बिहारी लाल की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। देखो वृंदावन जाते हैं, पैसा भी खर्चा होता है, धक्का मुक्की भी खानी पड़ती है, परेशानियां भी झेलनी पड़ती है, लेकिन अवसर आपको मिला है कि ठाकुर जी की उन्हीं झांकियों का दर्शन इस मंच के माध्यम से आप कर रहे हैं पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में। तो आप लोग विलम्ब ना करें, शीघ्रता से आना आरंभ कर दीजिए, उसके बाद लीला का दर्शन करें। आरती करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। नाम लेने से दिल को आराम था, नाम लेने से जिनका दिल को आराम है वो सी राधा दाम है। नाम लेने से जिनका दिल को आराम है वो सी राधा दाम है। तेरे नाम के दीवाने हैं हम तेरे मस्ताने, तेरे नाम के दीवाने हैं हम तेरे मस्ताने, हम तेरे हैं श्यामा जो तू माने चाहे न माने, हम तेरे हैं श्यामा जो तू माने चाहे न माने। अब तो दिल में मेरे बस तेरा नाम है, अब तो दिल में मेरे बस तेरा नाम है वो सी राधा दाम है। नाम लेने से जिनके दिल को आराम है वो सी राधा नाम है, वो सी राधा नाम है। Thank you.
तेरे नाम की बीरी मीरा तेरी मस्तानी तेरे नाम की दीवानी कोई मीरा तेरी मस्तानी सहता ने सब दुनिया के उसने किसी की न मानी तो पी गई जहर वो तो पी गई जहर भरोसा ही तेरा था वो तो राधा नाम था नाम लेने से जिनका वो तो आराम था वो श्री राधा नाम था जिस किसी को आना है भगवान की राखी बंद होने के लिए जा रही है सुदामा दिल का वह सच्चा था तूने भूखा रखा उसको भरोसा तो सच्चा था उसे तूने दिया तुझे तूने दिया यही सोचा नहीं है वो तो राधा नाम है नाम लेने से जिनका तुझे आराम है वो श्री राधा नाम है श्री राधा कृष्णा जय बम्बेश्वर कर्पूर गौरम कर्णा अवतारम ये संसार सारम भोजेन्द्र हारम सदा वसंत भंडार बंद्रे ये भवम भवानी सेतम नमामि जय चंद्रधर जय गंगधर जय आशुतोष महेश्वरम जय शंभु शंकर पशुपते जय विश्वनाथ ओमेश्वर त्रिलोचन कष्टमोचन मुक्तोदय सिद्धेश्वरम जय नीलकंठ सुशील अगर व्यार धरो भूतेश्वर कर रात मल सत्य दो ये सर्व धर्माया मते वाणी सुनावे कब सुशील त्रिशूल धर गिर चौपटी संपूर्ण वेद विकास कर ये नटवर रे स्वचाहिए अरे हो ध्यान मस्त कपाल धर श्री योगेश राज आयुए मंत्रिमंडल मथुरा जैसे राज के कलमठ कलमठ योद्धा महावरी सुनाओ प्रजातंत्र का कोई समाचार महाराज
ये खुशी है प्रजा आपकी और नहीं कोई फर्क है। जिधर हम देखते हैं आनंद ही आनंद है आपकी कृपा से हर घर आबाद आदि सिंह बकरी पीते हैं महाराज एक ही घाट पर पानी। महाराज आपकी प्रजा में सब प्रकार का आनंद है महाराज। कोई अमंगल नहीं क्यों नहीं इस मथुरा की शान अरे निराली जमाने से ये जगत पैमान होता है जरा सा नव नारी से सैन ज्योति तत्व दानव मेरी आंखें दिखाने से वह काल आज मैं भी चौके मथुरा में पानी सी है खुशहाली चौपरत मथुरा फूलों से छाई है हर एक बस्ती नव में है नवे बस्ती से नई है देवनार देवनार किन्नर सब मेरी जय जयकार मनाते हैं है कंस और सिंहासन पर सब देव सुमन पर सौते मथुरा की भव्यता को मथुरा की सुंदरता को देख करके आज देवलोक भी हैरान होता होगा। हैरान होने की आवश्यकता नहीं महाराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया सूरसेन कुमारवस्तेय के साथ किंतु दहेज प्रदान नहीं किया। दहेज देना चाहते हैं विदूषक जी को बुलाओ। बेज दीवान जी का दरबार में पधारना हो अरे वो भाई साहब इधर आइए आपकी खोपड़ी चट रही सुबह सुबह इधर आओ कहिए जी मैं घर जाता हूँ तो घरवाली परेशान करती है यहाँ जाते हो तो तुम लोग परेशान करते हो तू क्या मेरी घरवाली है क्या? अरे घरवाली नहीं है आपको महाराज ने याद किया है। क्यों क्यों आपको नहीं पता है? अच्छा ये बताओ महाराज गर्म है या ठंडे हैं? महाराज बहुत गर्म है आज। ज्यादा गर्म है? ज्यादा गर्म है और क्या ठंड में भी गर्म है और क्या। तो मैं क्या आपके बेटे एयर कूल्ड जो मुझे देकर के ठंड हो जाएंगे? अरे आप चलिए कहीं आपको देखकर हो जाए ठंडे हो जाए ठंडे हाँ शायद शायद और ना हो तो भैया आप झेलना हमको क्या पता। चलो झेलते तो हम बहुत दिन से आ रहे हैं हाँ और झेलेंगे चलिए तो चलिए फिर चलना ही पड़ेगा बिल्कुल हाँ। चलो तो महाराज हाजी में खिदमत में हो इंसान होने का किसी ने थी इंतजारी कही है क्या है मुझसे काम महाराज जय शंकर की जय गंगेश्वर जी हजूर विदूषक जी हाँ जी इतने देरी से क्यों आती हो क्या बात है? सरकार क्या करे सरकार सरकार हम परेशान हैं। किससे हमसे या दरबारियों से? नहीं सरकार आपसे ना ताप से शादी के संताप से शादी के संताप से हाँ जी हाँ जी अरे शादी नहीं। तो घर की आबादी हुआ करती है? नहीं नहीं महाराज शादी घर की बर्बादी। वो कैसे? क्योंकि जब से हुई है शादी मैं आंसू बहा रहा हूँ एक आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। क्यों? सरकार कभी कहती है चिपस्टिक लाओ लिपस्टिक लाओ टाट लाओ बाट लाओ खाट लाओ और लाओ लाओ मत लाओ। सरकार सर पर बैठी रहती है इसलिए सादा करिए और महाराज जी के जैसा फायदा करिए बस। ये घर की चर्चा बंद करो जी। दहेज लिखो देवकी जी का जी हजूर। दहेज अभी तक हमने दिया ही नहीं। हमारा शादी तो कल हो गई लेकिन दहेज नहीं दे पाए। दहेज लिखने की तैयारी करो। अरे ओए भाई साहब मेरा बही खाता लेकर के आओ। हाँ हाँ जी हाँ जी ये रखने के लिए भाई साहब आपकी बोल बन जाएंगे। जरा झुकिए झुकना आता है। अरे ओए ये भीलवाड़ा को नीचे करो।
कितने झुके हो आप तक झुकते रहे है। चलो अच्छी बात है महाराज, आप बोलिए सटासट में लिख देता हूँ घटाघट। ये चाइना सड़क का काउंटर पेन दिन के अंदर 999 किलोमीटर चलता है, चलता है तो रुकता नहीं है, रुकता है तो चलता नहीं है। आप बोलिए सटासट में लिख दूंगा घटाघट। लिखिए बोलिए चतुर्थम परवरम गजा नाम हे मालनो। हो गया महाराज। दस हजार हाथी देव किच के बाबा में प्रदान किए जाते हैं। 10,000 हाथी बिना सूंड वाले दिए जाते हैं। बिना सूंड वाले कैसे हाथी होते हैं? सरकार वो घेड़े हाथी होते हैं ना, घेड़े। हाँ वो घेड़े हाथी दे दिए जाएंगे, ये बात की व्यवस्था। अच्छा अच्छा चलो सूंड वाले। अश्वनाम चितम सार्दम रथानाम च। अश्व हमारे घोड़े 900 रथ 1800 घोड़े देव किसी के विवाह में प्रदान किए जाते हैं। 900 रथ 1800 घोड़े बिना पूछ वाले। पूछो से क्या बड़ी सोनी है सरकार, वो जाते जाते रास्ते में यमुना जी पड़ती है ना, पूछ भीग जाएगी, इसलिए पूछ यहीं कटवा ली जाएगी। पूछ वाले लिखो। अच्छा चलो पूछ वाले और मूछ वाले भी। दासी नाम सुखमालम संभ्रम करते दृष्टि। एक से एक कुमारी दासी, एक से एक कुमार दास बसते देवकी की सेवा के लिए। एक से एक कुमारी दासी, एक से एक कुमार दास और एक से एक नाई खवास। खवासों का क्या होगा? तो सरकार दास दासियों की सेवा करने के लिए भी चाहिए। दासियों पे तो सरकार डेंटिंग पेंटिंग होती है, आप ब्यूटी पार्लर में जाकर के देखो कितनी डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। दासिया और दासी ही दिए जाए। चलो बस डेंटिंग पेंटिंग उनकी जिम्मेदारी है। देवम दहेज प्रदादिया ने बक्सरे जी एक खजाना स्मरण का देवकी जी के लिए। अच्छा जी। एक खजाना कुमार वसुदेव जी के लिए। एक खजाना स्मरण का बहन देवकी के लिए, एक खजाना बहने वसुदेव जी के लिए। दस्ते स्मरण करते देखने वाले दर्शक भी हैरान हो जाए। हाँ। कि महाराज कंस ने कोई दहेज दिया। हाँ महाराज। सोने के आलंकित जी हाथी मैं स्वामी अंबारियों के शोभित होने चाहिए। हाँ महाराज बिल्कुल कूड़ा इतना ही दिखेगा जितना आप बोल रहे हो, इससे ना एक पल जाए। जलेश्वर प्रगना आता है हमारे राज्य के अंदर। हाँ आता है सर। उसे मित्र वसुदेव के नाम कर दो। जलेश्वर रायवटेश्वर का कर प्रगना जो महाराज कंस के यहाँ आया करता था, आज से महाराज वसुदेव वसूल करेंगे। के ये तवर कन्या है, के ये तवर कन्या है, के भामरे किसके घर पड़ती नहीं, किसका घर चौतवंदन वार से खेलता नहीं। जी यस। बहन बेटी का बहाव होता है, खुशियां मंगल चाल प्रत्येक गृह पर होते ही बंधन वार से घर व द्वार सजाया जाता है। सजाया जाता है महाराज। आपकी उम्मीद है कुछ देने के लिए? हाँ महाराज मैं भी कुछ दे देता हूँ। दीजिए भाई साहब। हेलो इधर आइए, आप मेरे घर जाइए। घर देखा है? गली नंबर 420 मकान नंबर आवर। मेरी घरवाली देखी है? तूने क्यों देखी है? अरे वो डोल रही थी, देख लिया है। तुझे क्या पता मेरी घरवाली है? आपके साथ में देखा था। अरे मेरे साथ में तो मैं अपनी घरवाली को भी साथ लेके नहीं चलता हूँ। क्या गलती हो गई? आज के बाद नहीं देखेंगे। क्या नहीं देखेगा? अपनी घरवाली आंखों का अंधा है क्या? देखेगा देखना पड़ेगा तुम्हें। क्या बतला है? अभी क्या कहना चाह रहे थे? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, हमारे घर जाइए। अच्छा जी। हमारे घर एक बक्सा रखा हुआ है, पेटा पेटी, उसके अंदर एक और पेटी, उसके अंदर एक और पेटी, उसके अंदर पीपा। पीपा क्या? पीपा। पीपा क्या? पीपा। उसके अंदर एक पीपी, उसके अंदर एक पीपी। क्या? पीपी। पीपी। तुम्हारा मुंह जैसा है जाता, सोच रही है जैसा। हाँ क्या? अरे राम 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 राम। कहाँ पैदा हुए थे? घर में हुए थे। हॉस्पिटल में क्यों नहीं हुए? चलो कोई नहीं कोई नहीं, जीते रहो। पीपी, पीपी के अंदर फिर एक पीपी, उसके अंदर एक पुराने जमाने का खोटा सिक्का रखा, उसे लेकर गया। क्या करोगे इसको? महाराज 1500 के बंद करा दिए हैं, 2000 का बंद हो गया है सरकार, वो पुराने जमाने का खोटा सिक्का रखा, उसे देना चाहता सोच रहे थे कि कुछ
बड़ी दौलत देंगे आप और दे रहे तो क्या महाराज, वही कोई अवस्था नहीं महाराज, खा पी करके वही बचा बस। और अभी अभी दहेज लिखवाने की वक्त में देखा कुमार मस्तेव का सेवक दो बार आया। अच्छा अच्छा, कुछ कहने की उम्मीद लेकर के आया था, वापसी चला गया। अच्छा, पूछो जा करके जी मस्तेव की सेवा के अंदर कोई कमी तो नहीं। अभी पूछ लेता महाराज, जाया जाओ अभी चला जाता। जाओ भूपा जी, भूपा भूपा आपको कोई कष्ट में कमी तो नहीं है क्या? कष्ट में कमी तो नहीं है, समय समय से मिल रहा है। नहीं विदूषक जी, आपको कोई कष्ट नहीं है, भगवान करे आपको मिलती रहे। क्या मिलता रहे कष्ट? आपको मथुरापुरी में कष्ट मिलता है क्या? अरे उधार मिल जाता है। अच्छा देखिए, हाँ आप जाइए और जाकर के महाराज से कहो कि माननीय वसुदेव जी अपने राज के लिए प्रस्थान चाहते हैं। प्रसाद चाहते हैं कितना खाओ? हनुमान जी का, शंकर जी का, भोले जी का, आपके गणेश जी का। अरे प्रसाद नहीं तो आपकी मथुरापुरी से जाना चाहते हैं। क्या जाना चाहते? हाँ। अरे फूफा जी, अभी अभी आपकी शादी हुई है। अरे इस दुनिया में आए हो, कुछ करके जाइए, कुछ दिखा के जाइए, कुछ देख के जाइए। आप इतनी जल्दी जाना चाहते हो? इतनी जल्दी? अभी आपकी उम्र को जाने के लायक नहीं। कहाँ के लिए? ऊपर के लिए। अरे विदुषक जी वहाँ नहीं तो? अपने राज बटेश्वर के लिए। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, विदाई चाहते हैं, यानी अपने घर जाना चाहते हो? हाँ। जाइए सीधे निकल जाइए। हाँ तो महाराज से बोलो। अरे नहीं 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 महाराज, भूपा जी कहिए, आपकी शादी हुई है? हमारी शादी हुई थी, हम अपनी ससुराल में कितने दिन रुके? आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई। हाँ कितने दिन रुके थे वहाँ? हम रुके 99 वर्ष। और आपकी उम्र? 28 वर्ष। ये कब की बातें कर रहे हो? पिछले जन्म। क्या हुआ था? हम अपनी ससुराल में रहते थे बड़े शान से। अच्छा? हमारे सासू जी, ससुर जी, साला साली सब परेशान हो गए। अच्छा। हमसे कहा दीवान जी आप सुनिए, आपकी शादी हो गई है, आप अपने घर जाइए और खाइए कमाइए। ठीक ही तो कहा। हमने कहा उल्लू के परांठे तुम लोगों ने शादी की, तुम ही कमाओ और खिलाओ, हम किसी के बाप के नौकर हैं क्या? उसके बाद में क्या हुआ? हमारे ससुर जी को आया गुस्सा, उन्होंने उठाया फटा हुआ बांस, हमारी सासू जी ने हमारा पकड़ा कान इज्जत के द्वारा, इज्जत के द्वारा हमारे ससुर जी ने हमारी कमर पर भड़ा 5-7 मारे इज्जत के द्वारा, हमें घर से बाहर कर दिया गया इज्जत के द्वारा। उसके बाद में हम फिर घर में घुस गए इज्जत के द्वारा। आपके लिए बहुत अच्छी इज्जत है। आप कहें तो आपकी भी थोड़ी सी। देखिए प्रदूषण जी, हाँ जी, ऐसा हम करवाना नहीं चाहते हैं। थोड़ी सी दो बांस? नहीं, हम स्वयं ही चले जाते हैं ना। नहीं दो ही बांस। अच्छा इज्जत। आप जाइए और कहो महाराज से। बाजी आप जाओगे तो भुआ जी को लेके जाओगे। हाँ। और जब भुआ जी जाएंगी तो मेरा दिल धक धक धक, ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या परेशानी है? अरे भुआ जी ये हमारी, उन्हीं से हमारा दिल लगता है, मन लगता है। अच्छा। उनके पास हम रहते हैं। हाँ। हम उनके सेवक हैं। अब भुआ जी जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता भुआ जी नहीं जाए, भुआ जी की जगह डोली में बैठ के मैं चलूं। अच्छा, आप हमारे साथ में चलना चाहते हैं? तो देखिए विदुषक जी, हाँ जी, आपके आपका भी वहाँ स्वागत है, आप चल सकते हैं। नहीं नहीं, आपको चल नहीं सकते है, आपके एक ही जा सकता है, मैं जा सकता हूँ या भुआ जी जा सकती है। नहीं आप अपनी भुआ जी के साथ में चलिए। नहीं नहीं, साथ में राज्य के अंदर है। नहीं, एक मैं में दो तलवार नहीं आ सकती है। अच्छा, इसलिए अब मैं जा सकता हूँ या भुआ जी जा सकती है, तो आप यही रहो। अरे वाह, धन्यवाद आपके लिए। अभी कहते थे महाराज के जीवन की जय जयकार हो सरकार। क्या हुआ सरकार? भूपा जी जाने के लिए बोल रहे हैं। आइए भूपा जी। कुमार वसुदेव जाना चाहते हैं। कुमार वसुदेव? हाँ राजन। क्या मथुरा के अंदर कोई कष्ट है? नहीं राजन, कोई कष्ट नहीं है। अथवा किसी का कोई भय है? राजन ऐसा आपके होते हुए कभी नहीं हो सकता है, किंतु आप जानते हैं
कि शादी की कुछ ऐसी नीति हुआ करती है कि अपने घर जाने के बाद में पूर्ण होती है। हाँ, आप जाना चाहते हैं। हाँ। और जाने से पहले तुम्हारा मित्र कंस कुछ मांगने की इच्छा कर रहा है। क्या रजन, आप उनसे क्या मांगना चाहते हैं बताइए, संकोच न करें। कंस वह वस्तु मांगेगा कि आप मुझे दे सकेंगे। हाँ बताओ। दौलत, कोई खजाना आदि कोई संपदा इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। भोलेनाथ की कृपा से कंस के यहाँ पर भंडार भरपूर है। हाँ, किंतु मेरी बहन देवकी इसे बड़ा लाड़ से पाला है, देवकी जाएगी तो रोएगी। अश्वपात कंस संसार का कोई बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए उसे बर्दाश्त कर सकता है, किंतु देवकी का अश्वपात्र ये नहीं देखा जाएगा। जाने से पहले एक रसार्थी रथवान बनने की इजाजत आप मुझे दे दीजिए। क्यों नहीं राजन, ये तो हमारा एक सौभाग्य है, और सौभाग्य नहीं एक परम सौभाग्य है। आप जैसा दिग्ग विजय राजा और हमारा रथ सारथी बनेगा राजन, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। आप चल सकते हैं, हम सहमत हैं आपके बात। आपकी अनुमति है मुझे। हाँ, चलिए। सेवक, मेरा दिग्ग जनक तैयार कराओ, दासियों से कहो देवती जी को लेकर के आए। हाँ। अरे सेवको, महाराज का रथ तैयार करो, वो अच्छा सा उड़ने वाला। और दासियों, महाराज अपनी बहन से मिलना चाहते हैं जाने से पहले, बुआ जी को लेकर के आया जाए। रोते नहीं, देखती तेरा ये रोना मेरी ताकत, मेरी जरूरत, मेरा गौरव, मेरा अपमान ये कम हो जाता है। बैठी रथ के अंदर जाओ के कंस एक रथ साथी रथवान तेरे हित बना है। देवकी को पहुंचाने देव यक्ष गंधर्व सभी लोग मेरी खुशहाली में खुशहाल रहेंगे, और जिसने भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया कंस उसे मृत्यु दंड देगा। एक बार हाथ उठाकर के सभी बोलेंगे हर 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 महादेव। बड़े हर्षोल्लास के साथ देवकी को पहुंचाने के लिए चला रथवान बनकर के। रथ मथुरा से निकला ही था कि अचानक आकाशवाणी होने लगी। तब चढ़ाए रथ देवकी आप भयो रथवान सो चलो सहित अभिमान तेही क्षण गिरा विशाल होत भई आकाश ते हो कंस तेरो पाल या देव की को सुप्राठ मे
संबोधन करने वाला बंद था। कल सावधान, कल सावधान है अपनी ताकत पर, अपने खंजर पर, वह मतला जैसे राज पर। कल सावधान है, ये कौन बोला? शब्द सुनाया है बोलने वाले समझ जाओ क्या काल चीज पर आया है। पृथ्वी या गगन मंडल देवकी का अष्टम लाल और मेरा काल बोल देव परी तुझे पता नहीं आज तक संसार के अंदर ऐसा कोई इतिहास ना बना जिस समय के लिखा गया हो कि मामा का दुश्मन भानेज बने। यथार्थ में सत्य है से अमित करता है। देखी था अष्टमलाल और मेरा काल कंस देवकी को खत्म कर दो अतिशीघ्रता को अथवा देवकी का अष्टम पुत्र मेरा काल बन सकता है। अतर्तन काल को जन्म देने वाली वह माता चार समय शेष शत्रु समान देव की जान रखते उतर पलो अभिमान खड़क निकास हाथ में लीनिए मारन की मन आता कीने बहन बहन मेरा कोई दोष है भैया? कुछ नहीं मेरा कोई अपराध भैया? अपराध ही देखती तेरा कुछ नहीं। क्या भैया आपका मस्तक फिर गया है? हाँ मेरा मस्तक फिर गया है। आपके हाथों की हरी हरी चूड़ियों को मेरी माँ के सिंदूर को देखो भैया। तेरी माँ का सिंदूर इस वक्त मेरी आंखों की नाली बन चुका है। ये तेरा रक्त मेरे लिए कुल्हाड़ खा गया है। दीप बाकी रात ऐसी आई मोहब्बत नसीब की बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हे जगत के रहने वालों आज आंखें बंद कर लो तुम सो गया है विधाता। धूप जलती है लगन मंडप की द्वारा चिता दुल्हन की चलती है। ना रहूंगी मैं दुनिया में मगर ये आत्मा होंगी प्रत्येक भाई की दिल पर ये कहानियां लिखी होंगी। मैं भाई की राखी बांधती थी बड़े अर्थ से आज टीका कर रही हूँ अपने ही रक्त से। बस इस वक्त कंठ तो ये शक्ति सब मेरे ज्ञान की लेकर ये खड़क अभ्यास ये तेरे रखता हूँ पाल की। हाँ हाँ चलेगी तुम्हारी गर्दन पर बहन की तेरे लोग से प्यारी मेरे चमन की। भैया पाप की डाली कभी धुलती फलती नहीं नाव कागज के दरियाओं में कभी चलती नहीं। क्यों रचाता है यज्ञ को चला तू उसे मिटाने को चलाएगी उबल करके तेज अग्नि बुझाने को। दिखावल तेज तू अपना बतावल छत्रधारी का मुझे भी केवल भरोसा सुदर्शन चक्र धारी का। हाँ।
सुदर्शन चक्रधारी मेरे संजल से डरता हो, मेरी आवाज से बाल लंबी आए भरता हो। वह बेदना तेरा क्या लगता जो कि उसे तू याद करती है? ये क्या उस सुदर्शन चक्रधारी की मुझे दाग की देखी है जिसका तू नाम लेती है ना, उस परमात्मा का वह तेरी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। आ सकता है तो कहे, तेरी मदद करने के लिए आ जाए। चल समन एक दो और ये ठहरिए राजन ठहरिए। क्यों बसते? हाँ बीच रास्ते में बाधा बनना चाहते? नहीं श्रीमान, आप एक गलत रास्ते पर जाते हो। किस तरह से? वह इस तरह से, एक भाई होकर के और बहन पर तलवार का बात तुम्हारे क्षत्रीपन को धिक्कार है। धिक्कार जो कि नहीं है काम क्षत्री का, अरे नहीं है काम क्षत्री का, जो उठाए शस्त्र अबला पर, नहीं है वेद की आज्ञा जताए जोर अबला पर। ये तुम्हारी बहन वो भूपत अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ देखी आंखों से बंधा कंगन भी घर में है। ये कंगन देवकी के घर में बना हुआ है ना? हाँ ये कंगन मैंने ही तो बांधा था। अब मैं इसको खोलूंगा, चलिए कई कंगन की चुड़ियों को भी फोड़ूंगा। क्या कहा राजन? हाँ। आप कंगन को तोड़ोगे चूड़ियों को फोड़ोगे तो याद रखो ये पिया है एक कुल का दूध, तुम दोनों बहन भाइयों ने एक ही कुल में दूध पिया है। ये पिया है एक कुल का दूध, अरे शर्म कुछ उसकी रखो, ये तलवार करो म्यान में क्षत्रिय है, धर्म तो रखो। विश्वास विश्व फले जो विश्वल लागे, ये ताए बने पहले ही क्या गए, विश्व ने वृक्ष को पालो पोषो ही उसे काट करके जड़ से खत्म कर दो, वस्ते वह सबसे उत्तम है। जो नहीं हतो आज ये वादा, मिटे न और के सोच विसार। वस्ते राजन अब तक धरती का सर कमल, सर का मैं कलम न कर दूं तब तक हृदय के अंदर शांति नहीं मिल सकती। क्या कहा राजन? हाँ। अरे राजन आप बार बार ये खंजर देवकी को दिखा रहे हैं, जिस लोहे से आप खेलते हैं, ये जिस लोहे से आप खेलते हैं उसमें सानी सानी है, स्त्री का खून बहाने में खुद में पानी पानी है रोशन जुदा जुदा भट्टी और धूनी का, ये काम नहीं ये छत्री का, ये काम है किसी खूनी का। ये टूटे साधन जाके काल हो मेरा हर नष्ट, ऐसी को जाके जंजाल हो मेरा, न होगा लोहा तो बनेगी चली फिर जैसे, ये खाल दूंगा जब से तब बनेगी डाल फिर कैसे, न होगी देवकी तो चलेगी लाल फिर कैसे, न होगा बांसुरी बजेगी बांसुरी कैसे। राजन अरे कुछ तो सोच करो राजन, अरे कुछ तो सोच करो, ये भगनी लगे तुम्हारी है, जब मुझे समर्पण कर दी नहीं तो वस्तु ही हमारी है। आप राजन आपका देवकी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप देवकी को मुझे कन्या दान में दे चुके हो, और देवकी के ऊपर पूरा पूरा अधिकार बसदेव का है ना कि आपका। आपका जीवन साथी है और मेरा जीवन का अंत है। क्या कहेंगे? आपका अंत नहीं है, आपका काल काल आराम नहीं कराएगा खत्म करेगा। ये देवकी आपका काल नहीं है युवराज, और ऐसा अत्याचार ऐसा दुराचार ये क्षत्रिय कुमार बसदेव अपनी आंखों से कदापि नहीं देख सकते। दुराचार पापाचार इसका कौन सी नीति से समर्थन कर रहे हैं आप राजन?
ये आप एक अबला स्त्री पर एक खड़क का प्रहार कर रहे हैं, क्या ये धर्म का कार्य है? पापाचार्य दुराचार नहीं दे सकते, आके बोल लो आत्माचारों की तरह उधर मुंह लो राजन। अरे क्या कहा, क्या कहा फोड़ने आके हम? अरे आए ब्रह्मांड संसार में, ये जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में, और सूर्य की संतान ताकत किस तरह मैं मोड़ लूं और सामने अन्याय हो आके खोड़ लूं, ऐसा कदापि नहीं होगा। होगा होगा, तुम्हारे सामने होगा। नहीं होगा राजन, उस समय की प्रतीक्षा करो। तब वसुदेव कहो कर जोरी, राजन सुनिए बिना एक मोरी, ब्रता देव की भोजन मारो, या को सुत है काल हारो। अरे वसुदेव तुम यहाँ किसके मुंह लग रहे हो? इसे कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है कि ये मेरा रिश्ते में क्या लगता है, ये मेरी बहन लगती है या मेरा बहनों ही लगता है। जब इसने अपने एक वृद्ध पिता को जेल के अंदर डाल दिया तो तुम बसदेव इसके क्या लगते हो? और कुछ महान लोग ऐसा कहते हैं, जहाँ बल से काम नहीं चले वहाँ राजनीति से काम लेना चाहिए। तो बसदेव तुमको ये देवकी ले जानी है बचा करके, यहाँ राजनीति से काम लेना। राजन मैं आपसे एक विनय करना चाहता हूँ। क्या हुआ? अभी तो बड़े बड़े उपदेश दे रहे थे, जरा के काशी से अभी आए हैं आप, अब एक साथ ठंडा ले। हाँ राजन आपसे विनय करना चाहता हूँ। बोलिए क्या विनय है राजन? हाँ। आपका काल देवकी नहीं है बल्कि देवकी के गर्भ से संतान जन्म लेगी, वही आपका काल है ना? सब सुतिया के हम सोनी जे जीव दान अब याको। थोड़ा सोचो, मैंने अभी अभी कहा था कि विषैला वृक्ष पालो नहीं खत्म करो। राजन उदाहरण है, घर के अंदर कोई बीमार व्यक्ति होता है तो मारा नहीं जाता, अनेकों प्रकार की औषधियां देकर के उसको ठीक भी किया जा सकता है। आदत पड़ गई, कोई उपचार उपचार दिखाई नहीं देता। राजन उपचार हमारे पास में है, आपका काल देवकी नहीं बल्कि देवकी के गर्भ से संतान जन्म लेगी, वही आपका काल है। आप देवकी को जीव दान दीजिए, देवकी के उदर से जितनी भी संतानें जन्म लेंगी मैं सभी को आपको ला करके ही दूंगा। फल की इच्छा कर रही है। हाँ। और मैं वृक्ष को खत्म कर रहा हूँ। हाँ, आप अपने दुश्मनों को खत्म करिए, किंतु आपका शत्रु देवकी नहीं है, मैंने बोल दिया ना आपसे। देवकी रह सकता हूँ किंतु याद रखो, एक से लेकर आठ तक बच्चे मुझे देने पड़ेंगे। हाँ राजन, और विश्वास नहीं होता ये बाचा हम तुम सन भाके, चंद्र सूर साक्षी कर रहा। क्या राजन आपको विश्वास नहीं होता? मैं आपको वचन देता हूँ, ये दिन के राजा सूर्य और रात्रि के राजा चंद्रमा, मैं दोनों को साक्षी करके कहता हूँ कि अनहित नहीं होगा, ये क्षेत्रीय कुमार बसदेव अपने वचन से विचलित नहीं होगा। ये आकाश के जीव चाहे पृथ्वी पर उतराए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, ये मानव समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाएं, लेकिन हम वो क्षेत्रीय नहीं कि अपने वचन से मुकर जाएं। राजन मुझे वचन दीजिए, क्या स्त्री को देख करके ललचाने वाले व्यक्तियों पर कंस विश्वास नहीं करता। राजन मैं वचन देता हूँ, देवकी के गर्भ से जितनी भी संतानें जन्म लेंगी मैं सभी को आपको ला करके दूंगा। दो वचन वसुदेव दे पाए, तीसरा आकाशवाणी से देवताओं ने दिया, आगे दुनिया की और कंस ने मान लिया। ठीक है, मुझे स्वीकार है, किंतु इसके साथ साथ एक मेरी शर्त मंजूर करो। हाँ युवराज, आपकी क्या शर्त है? देवकी को एक से लेकर आज तक
जितने भी बच्चे जन्म लेंगे तब तक आपको कारागृह के अंदर रहना पड़ेगा। राजन स्वीकार है? राजन धर्म पे भले हार है सब कुछ, तो बात है क्या पड़ी? अरे धर्म के खातिर सहूंगा मुसीबत की हद कड़ी, ये चार दिन की चांदनी मौत लेने को खड़ी। राजन में हंस के पहनूंगा हाथों में हद कड़ी, मुझे मंजूर है युवराज। बुजुर्ग साहब भली बात ये सब ही राई दिवस बंस हूँ के हाथों में तिल लगाओ। क्यों सरकार, क्या हो गया है? और इन्हें कारागृह के अंदर ले जाओ। ऐसी क्या बात हो गई है सरकार? किंतु परंतु का अर्थ बात का है, अभी पहले आज्ञा का पालन करो। बाजी आइए, पहले ही कहा था ना मत करिए शादी, क्योंकि शादी में होती बर्बादी है। अब आना फ्री और जाना फ्री, और पकड़े गए तो खाना भी फ्री है, आई समझ में? इसलिए सादा करिए और खादा करिए। बुआ जी अब मत रोइए, रो रहे मुस्कारे जो यह सबब हमको मिला, दुख न पाया था सुहा का सिलसिला, दुख न पाया सिलसिला, क्या कथा की जो यह सबब हमको मिला, क्या कथा की यह सबब हमको मिला। महाराज 11 नंबर के अंदर बंद कर दिया है, देखना चाहते हैं। कल पिताजी को 10 नंबर के अंदर बंद किया था, इनको 11 नंबर के अंदर है। देखो ये, अरे भाई गिटार फटा खोलिए। आज गणेश देवी को इस कारागृह के अंदर रोते हुए देख रहा है। देवी को पता नहीं गई दुनिया इसका रहना क्या है, इसका चलना क्या है। आज प्रतीक हो रहा है मेरा प्रतिपिता इस कारागृह के अंदर बैठ करके रोता है, इधर देवकी रोती है। रोइए, इतना रोइए, आपके अश्वपात्र का एक समुद्र बन जाए और कंस पापी उसके अंदर गोता लगाकर खत्म हो जाए। नहीं, कंस अपनी प्रतिज्ञा पहचानो, यदि तुमको देवकी का रोना वृद्ध पिता की आस्था इसका ध्यान आ गया तो दिन का बना करके समुद्र की गहरी दार बाद ये जाओगे। अमन कदम अटल चट्टान पत्थर की बन करके मुकाबला करने का तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ बस ये पाठक बंद कर दो, बंद कर लो, हम सकल देखने नहीं जाते हैं। हमारा दिमाग खराब हो रहा है। देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया, बताइए आप ही बंद करते हैं, आप ही रोते हैं, इसे कैसे निशान? समय बीतता गया, कुछ समय बाद एक पुत्र का जन्म होता है इनके यहाँ। वसुदेव अपने वचनों के अनुसार उस पुत्र को लेकर के कंस के पास आते हैं। अरे दीवान जी, हाँ जी, जाइए अपने महाराज से कहिए क्या देवकी जी पर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। प्रथम पुत्र का जन्म? हाँ, बुआ देवकी के यहाँ। हाँ बुआ देवकी के यहाँ। हाँ बुआ देवकी के यहाँ। बड़ी जल्दी हो, जाइए खबर करिए। चलो कोई नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, महाराज का जीवन की जय जयकार हो सरकार। हजूर अरे फटक हो, महाराज ये खुशी का समाचार है सरकार, आप मामा जी बन गए, हम लोग फूफा जी बन गए, खुशी का समाचार है। लड्डू फटने दो। हुआ क्या महाराज? जेलों के अंदर बुआ पे एक बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चे का जन्म हुआ है? हाँ। आया।
देवकी के यहाँ पर हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बच्चे का जन्म हुआ है। हाँ महाराज, बड़ी प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है महाराज। महाराज लड्डू आने दो अच्छे बच्चे को। अरे उमा जी बच्चों को लेकर के आओ, हम देखना चाहते हैं कितना बड़ा पैदा हुआ है। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे काबूल हुए जो ये सजा कर दी, हमसे काबूल हुए जो ये सजा कर दी। अब तो चारों ही तरफ बंद है परमात्मा, मैं कैसा भागा पिता हूँ जिस पिता के यहाँ, अरे जिस पिता के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है वहाँ नाना प्रकार की बधाई मनाई जाती है, लेकिन मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और मेरे देखते देखते वो पापी का जिसको मार डालेगा, ये ना करा होने को जगह ना जाने को रास्ता, अरे ना करा होने को जगह ना जाने को रास्ता, इस अजल नरंगी दुनिया से पड़ गया मेरा रास्ता, ये तराजू बन गई आंखें, अरे तराजू बन गई आंखें भार है प्रेम के मन का, वजन जब तोलता हूँ तो पल्ला इधर हल्का ना इधर हल्का, अरे वो हंस क्या सकता है, वो हंस क्या सकता है जिसका बिभू का पेट हो, पूछो उस पिता से जाकर के जिनको लगी पुत्र की ठेस हो। ए पृथ्वी माँ, ए पृथ्वी माँ, तूने मुझ पर थोड़ी सी दया तो की होती, इस बच्चे के आने से पहले तूने मेरी जान ली होती। नहीं बसदेव, तुमने राजा कंस को वचन दिया है अगर मैं पुत्र को नहीं ले जाता हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। अरे विदूषक जी जाइए जाकर के महाराज से कहो अच्छा कि बसदेव जी अपने वचन अनुसार प्रथम पुत्र को लेकर के आ चुके हैं। अच्छा 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 हाँ आप ठहरिए। अरे गेटर गेटर फाटक खोलिए। बुबा जी बच्चे को लेकर के आ गए। ओए आओ कुमार बस्ती बाबू, रो रहे लीजिए रजन, मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। बताइए बालक देख तस हस दीनो तो कछु अपराध न कीनो। देवकी को ये प्रथम पुत्र मेरा काल ये नन्ना सा फूल कमल सौद शकमार है बालक गोदी का, मुझको देख मुस्कुराता है इसको बहने ये प्रोदी का, ये देवकी का प्रथम पुत्र है, ये मेरा काल नहीं, मेरा काल तो देवकी का अष्टम पुत्र है। बस ये लो राजन, ले जा अपना सुंदर लाल और काले मिराठमा बुलाओ दत्ती काल, ये देवकी का मेरा पुत्र है, इसे ले जाओ, मुझे
देवकी का अष्टम पत्र चाहिए, ये लो। अष्टम गर्भ शस्त्र है मेरो, सो दीजो मोहिलाए सबे। जो के मेरा शस्त्र प्रथम नहीं अष्टम। रुवाइए मत, अरे रो नहीं, हाँ छोटा बच्चा है, अरे लग नहीं जाए उसकी, अरे लगेगी नहीं, छोटा है। अच्छा छोटा है, हाँ। हम तो समझ रहे थे कि बड़ा पैदा हुआ, ये तो उतना ही हुआ जितना हमारा होता है। सरकार इसकी शकल आपके जैसे, पेट मेरा जैसा। भूपाजी भूपाजी कहिए, इसकी छोटी छोटी नाक है, छोटी नाक है, इसके कान भी छोटे हैं, अच्छा, इसके पैर भी छोटे हैं, हाँ, और सारा जुगाड़ छोटा है। उपा जी आप मेरे यहाँ से एक वो ले जाइए, बकरी, बकरी, इसे दूध पिलाना, बड़ा हो जाए हमारे यहाँ देख जाना। अच्छा, हाँ, आपके यहाँ ये क्या करेगा? ये महाराज कंस के दरबार में रहेगा। अच्छा, हाँ, पूरी जी लीजिए, लीजिए, ओहो सुसु कर गया ये तो। चलो कोई नहीं बच्चा, कैसा रहा? महाराज बहुत अच्छी बात है, छोड़ दिया, छोड़ दिया आपने आज, हाँ जी, देव की हृदय के अंदर बड़ी प्रसन्नता होगी। हाँ महाराज, बहुत बड़ी बात है जी, वज्र के अंदर ममता, चलिए आओ, आपकी मानता है महाराज, खुशहाली, हाँ जी, कामरे के अंदर हम मनाएंगे, चली करके आइए, इसका नामकरण भी करवाएंगे। हाँ महाराज, जय श्री, आपका भंडारी से लेकर महाराज लड्डू बनवा दूंगा, वो मोती चूर वाले भंडारी लड्डू तैयार कर लेना, हम लोग आकर खाएंगे, खुशी की बात है। ये बात सबको अच्छी लगी कि कंस ने पहले पुत्र को वापस कर दिया, सब बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन देवताओं के बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि देवता जानते हैं जब तक कंस अत्याचार नहीं करेगा भगवान का अवतार नहीं होगा। पृथ्वी अगर सबसे पहले अकुलाती है तो बाल हत्या से, उसके लिए देवऋषि नारद कंस की मति को फेरने के लिए आते हैं। तब ऋषि नारद कंस पे लिए हस्त तर्वीण, गुण गावत गोविंद के आये परम प्रवीण। श्रीमन नारायण 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 नारायण, बोलिए नारायण भगवान की जय, जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए नारायण भगवान की। देखा जा रहा है राजा कंस ने वसुदेव के प्रथम पुत्र को वापस लौटा दिया है। ये कंस बाल हत्या गौ हत्या इस पृथ्वी पर नहीं करेगा तो मेरे नारायण भगवान का अवतार नहीं होगा और प्रभु का अवतार नहीं होगा तो इस पापी का विनाश नहीं होगा। चढ़ करके इसके हाथों से गौ हत्या बाल हत्या अधिक करानी चाहिए जिससे कि मेरे प्रभु का अवतार हो जाए और इस पापी का विनाश हो जाए। कहते हैं ज्ञानी होना चाहो तो गंगा स्नान करो और ध्यानी होना चाहो तो धर्म को बढ़ाइए, जीने को यदि चाहो तो जीवों पर दया करो और योगी होना चाहो तो इंद्रियां बस लाइए, भागने को यदि चाहो तो भागो बुरी कर्मों से, आने को यदि चाहो तो श्री कृष्ण शरण आइए, नाचने को यदि चाहो अरे नाचो रघुनाथ आगे, और गाने को यदि चाहो तो गोविंद गुण गाइए। श्रीमन नारायण 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 नारायण। ये निठुर संसार जीव क्षण जीवन और क्षण जीवन और भंगुर तेरा है और क्या तेरा क्या मेरा जगत ये चिड़िया रे न बसेगा।
सब जिया गए बसने और जब तक घट में कुटम कहने और तेरा कृष्ण भजन बिन कटे न भैया की जन्म जन्म कृष्ण तेरा जन्म जन्म का तेरा है श्री नारायण 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 भगवान का कीर्तन करते हुए पता नहीं चला मथुरापुरी में आ गए लेकिन कंस का कोई मंत्री दिखाई नहीं दे रहा यहाँ कोई है गुरुदेव प्रणाम प्रसन्न रहो जाइए अपने महाराज से जाके कहो गुरुदेव का आगमन हुआ है जो आज्ञा गुरुदेव है ना जो आज्ञा अरे दीवान जी अरे सोते रहते अरे तूने इसमें क्या मारा इसमें थप्पड़ मारा और क्या मारा थप्पड़ मारा क्यों मारा आप जग नहीं रहे थे अगर इसमें से बच्चे मर जाते तू देता तेरा पापा देता बच्चे इसमें बच्चे कहाँ से आए इसमें सारा भीड़ वाला जमा है पूरा पूरा अच्छा हमको मालूम नहीं था आज के बाद नहीं मारेंगे अच्छा हाँ इधर भीड़ वाला है हाँ तुमको वो नहीं है इधर चित्तौड़ गाड़ा है अच्छा साइड में साइड में पल्ली साइड में जयपुर है पूरा ब्रह्मांड आपके ही पेट में है ब्रह्मांड तो बहुत दूर है राजस्थान है पूरा अच्छा हाँ ये कह रहे हैं अब क्यों चाट रहा है ये जो हमारे गुरुदेव है ना जो आपके गुरुदेव हैं वो आए हैं प्रथम दौरियों पर जो आपके गुरुदेव हैं अरे महाराज के गुरुदेव हैं जो अच्छा महाराज के गुरुदेव आए हैं टंटन गुरु जो है टंटन गुरु हाँ हमने तो कभी देखा नहीं नहीं देखा है चलिए तो हम आपको दिखलाते हैं महाराज के गुरुदेव को हाँ चलो हमें बताओ चलिए चलिए इधर चलना और ये गुरुदेव आपके लिए प्रणाम करता हूँ ये क्या है पैर छू रहा हूँ ये प्रणाम है या हमारा अपमान ये भगवान का भजन होता है तुम नहीं जानते वो तो मैं भी करता हूँ तुम नहीं करते हो नहीं करता हूँ क्या करते हो लेकिन सोते सोते है? सपने में सपने में करते हो जाओ वक्त बर्बाद मत करो है ना हाँ तो जा रहे हैं ना जाओ अब तनख्वाह तो तुम देते नहीं हो बैठो मत जाओ हाँ जा रहे हैं हाँ। सरकार के जीवन की जय जयकार हो महाराज गुरुदेव आए हैं त्रिकाल तरसी है कह रहे हम आपके सरकार के गुरुदेव हमने पहली बार देखा है अच्छा अभाग्य गुरुदेव का नाम मंगल का सूचक अमंगल का दमन करने वाला होता है उसे कार्य किए जरा हमें अवगत कराओगे बताइए हमें गुरुदेव हाँ उस समय कंस मथुरा के लिए आ रहा था यमुना बाग के मार्ग से मेरा आना और पिताश्री का यज्ञ कराना मैंने आकर के यमुना बाग पर उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया बहुत अच्छा नारायण नारायण स्वयं मथुरा आदिपति बन गया ये और भी अच्छा किया नाम बड़ा करने के लिए देवकी जी का विवाह किया बहुत अच्छा बस देव के साथ फिर क्या हुआ उस समय कंस देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था कोई भी देवता मेरी खुशहाली में खुशहाल नहीं रह पाया हृदय के अंदर कुछ जलापन पैदा हो गया और बता दिया कि देवकी का हाँ। अष्टम लाल कंस तेरा काल होगा उसी समय खंजर को खींचा देवकी को समाप्त करने के लिए तैयार हो गया अच्छा बस देव ने मेरी खड़क को रोक लिया मुझे तीन वचन देते हुए देवकी को बचा लिया
देवकी वसुदेव को कारागृह के अंदर बंद कर दिया। अच्छा, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव ने कह के आए थे मैंने उसे वापसी कर दी। नारायण नारायण राजन। गुरुदेव इतनी लंबी नारायण जो मैं प्रथम आयो ये देव चरित जाने ना कोई। आपने जितने भी कार्य किए बहुत अच्छे अति उत्तम, लेकिन जो आपने वसुदेव के प्रथम पुत्र को वापस लौटा दिया ये तुमने अच्छा नहीं किया राजन। जो भी कार्य किया मैंने अच्छा किया। हाँ, इस जगह पर हम धोखा खा गए, बहुत बड़ा धोखा। क्या धोखा? सुनिए बताइए। अरे आप क्या जानते हो देवकी का कौन सा पुत्र एक है, कौन सा आठवां है? हम तुम्हें समझाते हैं। अच्छा, अष्टम कमल बनाओगे दीवान जी? आई अष्टम बनाओ, थोड़ा कष्ट। आठ लकीर खींच दिखलाई गिनती में सब आठ। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए देवकी के आठ पुत्र हैं। हाँ, ये अष्ट कमल बन गया। हाँ, एक दो तीन चार पांच छह सात और ये आठ। आठ आया, सात की बाती तो आठ आया ना राजन। जहाँ आठ आया है वहां से एक गिनना प्रारंभ कर दो। एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ। समझ गए? इधर गिना तो इधर आठ और इधर गिना तो इधर। नारायण नारायण। मेरा काल पहले भी आस्था है, पीछे भी आस्था है और बीच में भी आस्था आ सकता है, इसलिए आप धोखा ना खाएं, सावधान रहो। ठीक है। हाँ, समझ गए। अर्थ देवकी के जितने भी पुत्र जन्म लेते जाए सब को ही खत्म करा देना चाहिए। अब ये हम नहीं कह सकते आप समाप्त करो या उन्हें जिंदा रखो, हमारा कर्तव्य था वो हमने बता दिया। समझ के करना अपने काम को और नारद जी चलते अपने धाम को। नारायण नारायण। जो आप करवाना था वो तो कर दिया है। हमें पता है तुम्हें जो करवाना है। तो जाओ गुरुदेव, नाश्ता वास्ता जाओ। बस से कहो आजी पुत्र को लेकर के दरबार के अंदर आ जाओ। भूपा जी बच्चे को लेकर के आओ, महाराज बुला रहे हैं। क्षण बालक पेट भरायो ले वसुदेव तुरंत चलो। कहिए राजन, मुझे किस लिए बुलाया? इस पुत्र को मुझे दो। क्या कहा राजन, पुत्र को? हाँ। नहीं राजन, इस पुत्र के अंदर तो मेरी ममता पड़ चुकी है। ममता? हाँ। लाओ। निकल जाओ। नहीं नहीं महाराज, महाराज ऐसा मत करो। सीकंस मृत्यु की गोद में सुनाएगा। नहीं नहीं महाराज, लिया मूड़ कहकर में ताही पटकत भयो शिला पर बस देख लूंगा अष्टोद शानदार को मारूंगा देवकी के उस अष्टम लाल को। देवकी का महाराज एक भी पुत्र जीवित नहीं जाना चाहिए। महाराज जी आपने अच्छा नहीं किया है। अच्छाई तो कंस के इतिहास में ही नहीं है। नहीं महाराज, आप यदि अपनी प्रजा के सामने इस जनता के सामने बच्चों को मारेंगे, छोटे बच्चों को मारेंगे, तो ये जनता ये प्रजा आपके खिलाफ हो जाएगी, आपके सामने बगावत करेगी और आप में ईंट और पत्थर। वो नहीं, वो नहीं मेरा आदेश है। इसलिए यहाँ नहीं महाराज, वहीं कारागृह पर ही पुत्रों को खत्म कराया जाएगा। हाँ, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। संकीर्ण पैरा। हाँ, पैरा कितना है? खाना पीना सोना ये हराम कर दो। छह महीना देवकी का एक भी पुत्र चला गया तो समझो हमारा शत्रु प्रकट हो गया। सत्य बात महाराज। सावधान महाराज, ये बिल्कुल सूख रहा है, इसने छह महीने से तो कुछ पिया भी नहीं है, खाने की तो बात बहुत दूर है। एक पुत्र को कंस ने मार दिया,
पांच पुत्रों को जल्लादों के हाथों से जिलों में समाप्त करा दिया, छह पुत्र मारे गए। सातवां जो गर्भ था देवकी का, उसमें आए थे शेष अवतार श्री बलराम जी महाराज। बलराम जी को भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, जो गोकुल में रहती है नंद बाबा के यहाँ। और यहाँ कहती है सातवां पुत्र गर्भ से नष्ट हो गया। जब इस तरह अष्टाचार होने लगा तो पृथ्वी घबरा गई, देवताओं पर पुकार किया। भगवान ने उसको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों के लिए नरस्वरूप धारण करके पृथ्वी पर आ रहा हूँ। वरदान दो थे, देवकी वसुदेव ने तपस्या की हमारे यहाँ आप जैसा पुत्र हो, और नंद यशोदा ने तपस्या की आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ आकर के लीलाएं करे, दूध पिए, दही खाए, हमें सुख प्रदान करे। अब दो वरदान है, एक अवतार है, दोनों को सत्य कर रहे हैं। एक देवकी के गर्भ से जन्म लेकर उनका सत्य कर रहे हैं वचन, और दूसरे में गोकुल आ जाते हैं तो नंद यशोदा का वचन पूरा करते हैं। चतुर्भुजी रूप धारण करके जेलों में अपने माता पिता को दर्शन देते हैं भगवान, और जन्म ले रहे हैं श्री कृष्ण। आइए लीला का दर्शन करें, कृष्ण जन्म का। शिव कारागृह का कोई संदेश आया? अरे कारागृह को संदेश है, सातवां पुत्र गर्भ से नष्ट हो गया। महाराज सातवां बालक गर्भ में खीर बना रहा है। सातवां पुत्र गर्भ से नष्ट हो गया। हाँ, खीर हो गया, डाल गया, चला गया। अपनी माँ के गर्भ में वो मर गया। हाँ महाराज। आज सपने देखा है, देवों ने आज पुकार किया। एक क्षीर सिंध से चली ज्योति, उसने कारागृह विश्राम किया। कंस ने एक पुत्र को अपने हाथों से खत्म कराया। हाँ महाराज। पांच पुत्रों को जल्लादों के हाथों से खत्म करा दिया। हाँ महाराज। देवकी का सातवां पुत्र गर्भ से नष्ट हो गया जी। आज आज अष्टमी रात है, अरे कुछ खटका होने वाला है। अष्टम सुत देवकी का मां कालवन के पैदा होने वाला। पहला सत्य है यहाँ पर, सत्य महाराज। चारों दरवाजे घेरा दो, चांदूर मुस्तक सैको सक, ये चारों दरवाजे अड़वा दो। ठीक है महाराज। देवकी का अष्टम पुत्र इस वसुंधरा ऊपर आने वाला है। ठीक है महाराज। कितने पहले रात पहला लगा रहे हैं महाराज? होंगे लगभग 4,000 10,000 योद्धा और बड़ा लो 14,000 योद्धा करो। ठीक है महाराज, काठमांडू से मंगवा लेता हूँ 10,000। आने जाने वाले पर नजरानी पूर्ण तरह से होनी चाहिए। ठीक है महाराज। देवकी का अष्टम पुत्र आने वाला है। ठीक है महाराज। जय श्री जय भोलेनाथ। आप जाइए, पूरी तैयारी की, लेकिन भगवान ने, भगवान की माया को कौन रोक सकता है। चले गए थे। अरे किस किस को याद करे, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। मरेंगे महाराज मरेंगे, हम क्यों मरे ठंड में, आराम से सो ले। भगवान ने अपने वचन पूरा करते हुए जेलों में जन्म लिया। वसुदेव जी पुत्र को लेकर के और गोकुल के लिए चलते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अरे कन्हैया का जन्म हुआ, थोड़ा जोर से बोलिए। बाल कृष्ण लाल की, पुत्र को लेकर के चले। श्री कृष्ण भगवान लीनो जन्म जेल दरबार, सोए गए पहरे नारे जान, तारे टूट गए, सोए गए पहरे नारे जान, तारे टूट गए। बादल कर रहे हल्ला, पित की गोद में झूले लल्ला, दोनों बिन नैया बिन मल्ला, यमुना पार भये तो, बिन नैया बिन मल्ला, यमुना पार भये। वसुदेव जी यमुना को नारे पहुंचे। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये सामने से यमुना जी बड़ी वेग से बह रही है और प्रभु मुझ पर तैरना नहीं आता है। हे भगवान, मेरी राम की रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु। यमुना जी क्योंकि भगवान की पटरानी है ना, कालिंदी, तो यमुना ने सोचा मेरे पति के निकट होके जा रहे हैं, क्यों नहीं चरण स्पर्श कर लूं, क्यों नहीं। ऊपर आने लगी, आज मेरी स्वामी
मेरी निकट है कि जा रहे हैं, मैं इनके चरण स्पर्श करूं। भगवान ने चरण स्पर्श कराए, रास्ता दे दिया वसुदेव को। वसुदेव पुत्र को लेकर के गोकुल में प्रवेश करते हैं। भयो पार लेके घन श्याम पहुंचो जाए नंद के धाम। तहां सकल जन सोवत पाए सुतल यशमति पाठ सुनाए। मैया यशोदा के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है भगवान की योग माया का, लेकिन यशोदा को पता नहीं है। वसुदेव ने रात ही रात में प्रवेश किया, पूरे गोकुल को योग माया ने इतना बेहोश सुला दिया कि किसी को कुछ पता नहीं चला। वसुदेव ने कन्हैया को लिटाया, कन्या को गोद में लिया और शीघ्रता से चले हैं मथुरा के लिए। जानते हैं विलम्ब नहीं होना चाहिए। परमात्मा, हे परमात्मा, मैं कैसा अभागा पिता बना दिया। मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और मैं अपने पुत्र का लालन पालन ना कर सका। हे पुत्र मुझे क्षमा करना, मेरे लाल मुझे क्षमा करना। बेटा मुझे भूल मत जाना, उधर मैं राजा कंस की जेल के अंदर बंद हूँ। पुत्र वहां से बड़ा होकर मुझे अवश्य मुक्त कराना मेरे लाल। अरे वसुदेव, अगर तुम यहाँ पुत्र की ममता में लगे रहोगे और राजा कंस का एक भी सेवक जाग गया तो ये सारा भेद ही खुल जाएगा। मुझे जल्दी चलना चाहिए। कन्या को लेकर के वसुदेव मथुरा पहुंचे। देखो जब भगवान को लेकर के वसुदेव चले तो बंधनों ने छोड़ दिया, कड़ी बेड़ियां सब खुल गए, ताले खुल गए। और जब इंसान भगवान की माया को अपनाता है ना तो सब कुछ वैसा ही हो जाता है। जेलों में प्रवेश करते ही ताले लग गए, हथकड़ी बेड़ियां लग गई, पहरेदार जग गए, कन्या ने रोना आरंभ कर दिया जेल में जाते ही। वसुदेव ने कंस ने सुना, दौड़ा चला आता है। शिवक क्यों रहा है, हो क्या रहा ये? महाराज कुछ नहीं हो रहा है, लेट के देख रहा था आपका दुश्मन कहीं जमीन के अंदर होके तो नहीं जा रहा है। वाह, अभी अभी हाँ जी ये बतलाया है गुप्तचरों ने। हाँ जी, रोने की आवाज करम ऋषि आई है। महाराज गुप्तचर बड़े चालाक होते हैं, पता नहीं है। चलिए चलिए, करम ऋषि को स्वयं चलेंगे। जय श्री ये जेल मंत्री कहाँ है? अंदर से भुआ को और भूपा जी को लेकर के आओ। बन्या ले तब देव की आगे राखिया दीन वचन अधीन है। से कही सुनाए अहो भात यह दान तुम हमको दीजिए है कन्या जी अजान याते है तुमको नहीं। लो इस कन्या को मुझे दो। भैया ये आठवें पुत्र की जगह एक कन्या का जन्म हुआ है। भैया कन्या का जन्म हुआ है? क्या देवताओं ने झूठ कह दिया कि देवकी का अष्टम पुत्र होगा? ये पुत्री का जन्म देवकी, ये लड़का हो या लड़की अष्टम सुत कहलाता है, इससे मार नहीं होगा, ये मेरा धर्म हो। कन्या का जन्म हुआ है किंतु ये है अष्टमी आठवीं, इसकी मृत्यु अवश्य करूंगा। भैया
ये कन्या है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी भैया। देवकी होता या पुत्र, एक ही विदेशी काल था, ये कन्या तीन विदेशी काल है, ये इसका होने वाला पति, इसकी संतान, इसकी औलाद मेरा काल बन सकती है। इसे मुझे दो। नहीं भैया, मैं आपके सामने असला पसार की इस कन्या को भीख में मांग रही हूँ भैया। भीख? दामन उसके आगे फैलाया जाता है जो भीख देना जानता हो। कंस जाननाल भक्त जिसे कहते हैं, हृदय के अंदर दया नहीं, इसे कंस अवश्य खत्म करेगा। मुझे दो, जल्द मत करो। कन्या को छीन कर हाथ से कंस मार देना चाहता है। ये तो भगवान की योग माया थी जो इसके हाथ से छूट गई और आकाश मार्ग में जाकर के संबोधित करती है कंस को। अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाला ब्रज में अवतार ले गया है। मम हत्या तेरे लई वृथाही, तेरो रिप प्रगटो ब्रज माही। कन्या ने हमें संबोधन करके बतलाया कि कंस मुझे क्या मारेगा। अरे मैंने तेरा बल तोड़ लिया, तेरे मारने वाले ने ब्रजमंडल में जाओ जन्म लिया। अफसोस तू तीनों जेल ताला खुला, देवी दुश्मन निकल गया। क्या खोटी किस्मत थी हमारी, उल्टा पासा पलट गया। खूब संभल कर चला मगर देवी कांटों में उलझ गया। काली सिंध चली जमला, जल सूख गया या बैठल गया। देवकी उस देवकी हरी भरी गोद कंस पापी, तूने पत छड़ बना दी, एक भी पुत्र जीवित नहीं छोड़ा। हे मेरी प्यारी बहन, हे ममता की मूरत, हे दया की देवी, परो देव की चरणन माही, मैं मारे तेरे पुत्र भृताही, क्षमा करो मेरो अपराध गति अलग क्षमा करो, क्षमा करो, माफ करो, तेरा बड़ा कसाई भाई हूं। मारे छह पुत्र तेरे ये कुल का प्रबल कसाई, मुझे माफ कर दे, अब कभी नहीं सताऊंगा ये तेरी जैसी भगनी को। मैं कुल जीवन भरो भैया, आपके प्रथा में पश्चाताप कर रहे हो, जो हमारे भाग में लिखा था वह हमने भोग लिया भैया। हमारे भाग में पुत्रों का सुख नहीं था भैया। पुत्रों आप भी मुझे क्षमा कर दो। वसुदेव हुसन क्षमा करा, निगड़ दिए पगते कटवा। राजन आप क्यों व्यर्था में इतना पश्चाताप करते हो? ऐसा कहते हैं कि इंसान बलवान नहीं होता है हमेशा, इंसान का समय बड़ा बलवान होता है। ओहु न काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। क्योंकि जो इंसान ऐसा करता है उसका फल ऐसा ही उसको भोगना पड़ता है, क्योंकि ये समय बड़ा बलवान कराता काम जंगी का,
अरे समय पड़ा था राजा हरिचंद पे तो भरा था नीर भंगी का। ये समय के फिर से रघुवर वन में उदासी घूमे थे, समय के फिर से राजा मूर्धय ने अनेकों कष्ट झेले थे। और कहते हैं कि जो बिदरा ने लिख दिए छठी रात के अंक, अरे राही घटे ना तिल बढ़े रह गए जीव निसंग। और युवराज हमारे भाग में संतान का सुख नहीं था तो क्या किसी से कहना है? नहीं, ये तो अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना लहना है। वसुदेव तुम धर्मात्मा हो, मैं नीच नरखत्य रहूं, इस पाप पुण्य की बाजी में तुम जीत गए मैं हारा। हमारे तुम्हारे बीच पाप पुण्य की बाजी इसमें आपकी जय और कंस की पराजय हो। बड़ा कष्ट पाया है देवकी वसुदेव को, नजर कैद महलों के अंदर पहुंचाओ। सेवक बाजी मुझे भी दे दो। विदूषण जी हाँ, आप क्या लोगे? माखी। माखी? हाँ देखिए माखी ली नहीं जाती है। नहीं माखी, माफ किया जाता है। नहीं नहीं मुझे तो माखी चाहिए। उसका क्या करोगे? घोट के पीऊंगा छाछ में मिलाकर। तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं वो आपकी नहीं है, रिश्तेदार को पिला दूंगा। देखिए हाँ, आपने तो कोई ऐसा कष्ट नहीं दिया है हाँ जिसकी आप माफी मांग रहे हैं। हम ऐसे नहीं मांग आप सकते, आप केवल आज्ञा का पालन करते हैं। नहीं नहीं महाराज, आज्ञा इतनी देते थे हम इतनी करते थे। अच्छा ये हमारा वो था, आप कुछ नहीं कर सकते, एक गिलास पानी ला सकते हो। अच्छा एक गिलास पानी का क्या करोगे? हम डूब के मर जाना चाहते हैं। देखिए अगर आपको मरना ही है हाँ तो किसी कुएं में चले जाइए। कुएं में पेट फंस जाता है तो किसी तालाब में कूद जाइए। तालाब में से तैर के निकल आते हैं। अच्छा हाँ शर्मदार के लिए एक चिल्लू भर बहुत है, हम उसी में डूब के मर जाएंगे। आपके शर्म है? हम शर्म से हम बड़े भी शर्म है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। आप चलो भंडार में चलना। बहुत सुंदर लीला है, नंद उत्सव है, भगवान का जन्म हुआ है महाराज। चले शंकर भगवान कैलाश पर्वत से चल करके आएंगे दर्शन करने के लिए। महाराज भंडारी बुला रहा है। और शंकर जी का बहुत सुंदर दीपक नृत्य तांडव नृत्य कल के दिन दर्शन करेंगे। मोरे मुकुट तेरे शिशु सो है, मुरलिया मेरो मन मो है, बलिहारी जा बाके बिहारी तेरी याद दिया। जिसने ये सारी दुनिया हारी, चरणों में शीश लगा आज जगा तुमको मिल जाओ। हरि लाल की बाल कृष्ण भगवान की, राज बिहारी सरकार की, हनुमान टेकरी की, संत समाज की, आज के आनंद की।